हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग रियली रियली वेल। सो बहुत बार आप में से काफ़ी सारे लोग थे जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कॉसरेक्स का जो 23% विटामिन सी सीरम है उसका रिव्यू करिए। तो उसका मैं रीज़न देने वाली हूँ और साथ में उसका मैं ऑल्टरनेट आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्यों वो नहीं ले रही हूँ और उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो। नाउ नाम से पता चल रहा है 23% ऑफ विटामिन सी, विच इज़ अ वे टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, और ऊपर से उसके अंदर डाला हुआ है प्योर एस्कॉर्बिक एसिड जो सेंसिटाइज कर सकता है सेंसिटिव स्किन वालों को। एंड स्पेशली हम इंडियन स्किन टाइप्स आर प्रोन टू सेंसिटिविटी। हमारे यहाँ पे पिगमेंटेशन के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, ज़रा सा भी कट या बर्न लगता है तो पिगमेंटेशन हो जाती है। सो इट्स बेटर कि आप यू नो हाई कॉन्सेंट्रेशन को अवॉइड करें, जस्ट टू बी श्योर कि आप यू नो अपनी स्किन को और इरिटेट ना करें। इवन इनका मैंने नियासिनामाइड भी ट्राई किया था 15%, उसने भी मेरे फेस पे रिएक्ट किया था। हालांकि नियासिनामाइड इज़ द सेफेस्ट इंग्रेडिएंट और वो मोस्टली सूट कर जाता है। लाइक मैंने 10% तक यूज़ किया हुआ है, बट 15% वॉज वे टू मच, राइट। तो यहाँ पर जो 23% वो भी विटामिन सी डली हुई है। सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट दिस वन। इफ़ यू आर ऑल्सो अ सेंसिटिव स्किन पर्सन, आई विल सजेस्ट कि आप इसको अवॉइड करें। बट अगर आप प्रो हैं और आप इतना परसेंट लगा सकते हो, और अगर आपने 15-20% लगाया है प्योर एस्कॉर्बिक एसिड, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। आई एम नॉट गोइंग टू गेट दिस वन। सो इंस्टेड ऑफ दिस, व्हाट आई विल सजेस्ट इज यू कैन गो फॉर द माइल्डर फॉर्म्स, और यू कैन गो फॉर द लेस कॉन्सेंट्रेशन लाइक दिस डर्माको वन। नाउ दिस वन हैज़ 10% ऑफ विटामिन सी और इसके अंदर डला हुआ है 3-O-ethylascorbic एसिड, जो कि विटामिन सी का सेफेस्ट और स्टेबल डेरिवेटिव है जो इंडियन स्किन पे आराम से सूट कर जाता है, इवन इफ यू आर सुपर सुपर सेंसिटिव स्किन। नाउ विटामिन सी हम सबको पता है इट्स अ एंटी ऑक्सीडेंट, बट ये अकेला उतना ज़्यादा फंक्शनल नहीं होता है। इट जस्ट लाइक दैट कि आप यू नो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम ले रहे हो, बट वो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगी। जो विटामिन डी होता है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में, बोन्स तक पहुंचाने में। सिमिलर केस गोज विद द विटामिन सी। नाउ विटामिन सी को आपके स्किन सेल्स तक पहुंचाने के लिए उसको एक ट्रांसपोर्टर की हेल्प की जरूरत होती है, तो उसके लिए दे हैव यूज्ड हियर फ्यूरिक एसिड जो एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। Then they have paired this one up with 5% of niacinamide, which is again a very stable and safest concentration for sensitive skin. Now you might be like, ki yaar, vitamin C and niacinamide together, can we use it? Definitely yes, it's definitely safe अगर आप दोनों ingredient को एक ही formulation में use कर रहे हो। Like for example, they have formulated this product using both the ingredients, तो उनको पता है कि उन्होंने कौन से pH पे कौन से product को you know solution के अंदर डाल के उसको stable किया है। Whereas अगर आप एक अलग brand का vitamin C उठा रहे हो और एक अलग brand का niacinamide उठा रहे हो, तो you don't know कि कौन से pH पे उन चीज़ों को और किस तरह से उनको formulate किया गया है। That's why I always say कि डोंट मिक्स टू ब्रांड्स। बट अगर आपको एक ही ब्रांड के अंदर दोनों इन्ग्रीडियंट मिल रहे हैं, देन आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो और इसके डबल बेनिफिट्स हो जाते हैं। विटामिन सी का बेनिफिट आपको मिल रहा है, एज वेल एज नियासिनामाइड का बेनिफिट भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस 10% विटामिन सी एंड 5% ऑफ नियासिनामाइड, इसके अंदर काफ़ी सारे ह्यूमेक्टेंट्स डले हुए हैं, इसमें ग्लाइकॉल्स डले हुए हैं एंड सोडियम हाइलोरोनेट डला हुआ है, विच इज़ हाइलोरोनिक एसिड। इट्स अ फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला एंड इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एज वेल। टेक्सचर इसका काफ़ी लाइट है, इट्स अ वॉटरी सिरम, इंस्टेंटली सिंक इन हो जाता है एंड इट्स ईजिली लेयरेबल, फोम अप नहीं होता है ये, एंड सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, स्पेशली इफ यू आर अ सेंसिटिव स्किन। बट एक चीज़ का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि जब भी आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट अपनी स्किन के रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए यू कैन यूज़ दिस 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन एक्वा जेल, माई होली ग्रेल सनस्क्रीन एट SPF 50 एंड PA 4+। इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, इट्स अ हाइब्रिड सनस्क्रीन, विच मीन्स इसके अंदर केमिकल एज वेल एज मिनरल फिल्टर्स भी डले हुए हैं। फ्रेग्रेंस फ्री फार्मूला है, 1% हाइलुरोनिक एसिड है जो स्किन को हाइड्रेट करता है, विटामिन ई है विच इज़ अ ग्रेट एंटी ऑक्सीडेंट, फ्रेग्रेंस फ्री फार्मूला है, टेक्सचर मक्खन है, इंस्टेंटली सिंक इन हो जाता है, रीएप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, आइज़ में सिंक भी नहीं करता है और आपकी स्किन को डल एंड डार्क भी नहीं दिखाता है। इट कीप्स योर स्किन लुकिंग फ्रेश ऑल डे लॉन्ग। ब्यूटिफुल सनस्क्रीन, हाईली हाईली रिकमेंडेड। आई डोंट नो मैंने कितनी बार रिकमेंड करी है, आई एम श्योर जिसने भी लिए हैं they also love this one. So yeah,
ब्यूटीफुल विटामिन सी सीरम अलॉन्ग विद द सनस्क्रीन. इन केस यू आर प्लानिंग टू परचेज दीज प्रोडक्ट्स, एज यूजुअल आई हैव अ स्पेशल कोड फॉर यू विच इज भावना 2023 फॉर 20% ऑफ ओनली ऑन डर्माको का वेबसाइट. एंड वेन एवर यू गोइंग टू परचेज एनी थिंग फ्रॉम डर्माको, दे गोना लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड एजुकेशन जो इनका इनिशिएटिव है यंग साइंटिस्ट वाला अलॉन्ग विद भूमि. सो आप उसमें भी इनकी हेल्प कर सकते हो. लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, चेक कर लीजिएगा, ट्राई करिएगा. जिसने ट्राई किया है फीडबैक ज़रूर देना, और जिसने नहीं ट्राई किया है ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, सो दैट बाकी लोग जो देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके. सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.